जय हिंद सभी को। आप लोग को याद होगा कि जब नया नया स्कोर कार्ड आया था तो उस समय हम बताए थे कि लगभग 12-15 नंबर के आसपास नॉर्मलाइज में बहुत सारे स्टूडेंट को मिला है। ठीक है, किसी का नॉर्मलाइज में 2 नंबर घट भी गया है, किसी को 2 नंबर बढ़ा है, किसी को 10 नंबर मिला, किसी को 12 नंबर मिला, कभी किसी को 15 नंबर भी एक्स्ट्रा मिला होगा, तो आपको समय आने पर वो भी दिखाएंगे। लेकिन जब हम उस समय वीडियो बनाए थे तो सुनने में आता है कि उस वीडियो के नीचे कोई कोई कमेंट किया था कि ऐसा नहीं हो सकता है, इतना नंबर नहीं बढ़ता है, तुम झूठ बोलते हो। तो अभी तो फिर हम वीडियो में गाली नहीं देना चाहेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसका नाम लेकर के हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसका माँ बाप को दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोग के सामने कुछ प्रूफ हम दिखा रहे हैं, उसके बाद और भी बातचीत करेंगे। देख लीजिए इनका नंबर कितना है, देखिए रॉ मार्क्स था इनका 40.25, नॉर्मलाइज होकर कितना हो गया 52.72। 12 नंबर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है बताइए। और एनसीसी में इनको नहीं जुटा, अगर एनसीसी में जुटता 5 नंबर तो सोचिए और कितना होता। और आपको कुछ कुछ दिखाते हैं, रुकिए तब और बात करेंगे। देखिए 8-9 नंबर यहाँ भी बढ़ा हुआ है, 70 था 79 हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइज में इस बार कम कम नंबर मिला, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट का ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ फोटो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप ऑल इंडिया SSCGD ग्रुप में। अब सबका अभी तक हम देख भी नहीं पाए, हमको इच्छा था कि वीडियो मॉर्निंग में भी आता लेकिन समय ही नहीं मिला। और टेलीग्राम ग्रुप खोलते हैं कभी कभी, जैसे आज संडे था, ठीक है आज संडे को हम बोले थे लगभग 6 बजे के आसपास ग्रुप ओपन करेंगे, तो नहीं हो पाया 6:30 बजे, लेकिन किए 10 मिनट के लिए ही किए। जितना समस्या था आप लोग का सुने, कम से कम हमको पता चलता है कि आप लोग कितने पानी में हैं, क्या हो सकता है। और हम बार बार यही प्रयास करते हैं जो भी हमारे साथी हैं कैंडिडेट हैं उनको किसी तरह का कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यूट्यूबर बहुत सारा है तो यूट्यूबर से हम अपना आपको कभी तुलना नहीं किए। यूट्यूबर मादर क्या गाली देने का मन करता है, छोड़िए। लेकिन खैर आप लोग उसका भी वीडियो देखा कीजिए, उसका पेट चलता है यूट्यूब पर वीडियो बनाने से। और अभी तो आप लोग का रनिंग वनिंग शुरू हो रहा होगा, अपना चालू कर रहे हैं कि नहीं रनिंग, तो फिजिकल करते रहिए। देखिए इसका फिजिकल बहुत इजी होता है, 1 महीना काफ़ी समय है, फिजिकल बन जाएगा आराम से। और अभी आप लोग का फिजिकल होने में लगभग हमको लगता है 2 महीना भी समय है, मेरे हिसाब से 2 महीना लगभग आपको समय मिल रहा है फिजिकल का तैयारी करने के लिए। और फिजिकल का कुछ विशेष प्रोसेस नहीं होता है, आपका आराम से एंट्री होगा, हाइट वेट शुरू में हाइट होगा, उसके बाद जाइएगा फिजिकल होगा, सिर्फ फिजिकल में रनिंग सिर्फ रनिंग होता है, उसके बाद आइएगा तो फिर हाइट वेट चेस्ट होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आप SC ST OBC या जो भी आप ऐसे हैं जिसमें कि आपको छूट चाहिए हाइट में या चेस्ट में, जो भी रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं वो अपना क्या बोलते हैं उसको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा सेंट्रल वाला। और मेन कास्ट सर्टिफिकेट का काम लगेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, जो कि होगा आपका मेडिकल के समय। और एक बात याद रखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन होता है मेडिकल में, ठीक है ना, उसका विशेष टेंशन अभी यहाँ पर नहीं लेना है। और आपको बार बार हम एक बात क्लियर करवा के समझाए हैं कि नोटिफिकेशन में लिखा था यही कि आपका OBC सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला, वो मतलब उसके पहले का होना चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे थे नोटिफिकेशन डेट में दिया था, क्या डेट है हमको याद नहीं है, उससे पहले का होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के पास, हमको लगता है कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है उस डेट का, तो किसी न किसी प्रकार का इसका हल निकलेगा जो कि नया वाला कास्ट सर्टिफिकेट का वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, नहीं तो कितना स्टूडेंट को जनरल में क्वालिफाई कर पाएगा बताइए। ऐसा थोड़ो ना कि SC ST या जो भी है OBC सबको जनरल में घुसा देगा, तो फिर जनरल वाले कहाँ जाएगा, EWS में सब तो नहीं जाएगा ना जी। तो कटअप का बड़ा भयंकर सिस्टम है इसमें, समझे कि नहीं। रुकिए और बातचीत करते हैं आप लोग से। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट को जो है कटअप को लेकर के टेंशन है, तो सबसे अच्छा साधारण उपाय यही है हम जो बता रहे हैं अभी, साधारण सा अपना कटअप वाला जो आपका PDF आया है उसको लोड कीजिए, और नहीं लोड होगा तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर होगा, ठीक है ना, वहाँ से देखिए। और ये जो कटअप आप देख रहे हैं जो इसमें आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया कटअप मार्क्स, इससे देखिए कि आपका नॉर्मलाइज होकर के जो फाइनल नंबर आया है वो तो कितना अधिक है। ठीक है, वो कितना अधिक है इसमें आपको पता चलेगा, 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर अगर अधिक है आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए और फिजिकल विजिकल करते रहिए। और नहीं भी अधिक, अगर 1 नंबर अधिक है फिर भी क्या आप फिजिकल में नहीं जाइएगा, घर में सो जाइएगा, ऐसा नहीं है, फिजिकल भी करना है। देखिए जिसका कम नंबर अधिक है, मान लीजिए किसी का 0 पॉइंट में, किसी का पॉइंट में नंबर अधिक है, तो फिजिकल के साथ जो अपना स्टडी करते रहिए, 2023 में न्यू वैकेंसी आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब किसी का 10 नंबर ज़्यादा है, किसी का 12 नंबर ज़्यादा है, किसी का 22 नंबर ज़्यादा है, अभी मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका नंबर अधिक है, तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, सिर्फ फिजिकल करें। और ऐसे सब कैंडिडेट का फिजिकल बड़ा कमज़ोर होता है, जिनका रिटर्न अच्छा होता है उनका फिजिकल बहुत कमज़ोर होता है। और अगर गलती से जिसका नंबर अधिक है उसका अगर फिजिकल गड़बड़ हुआ तो समझ लीजिए कटअप बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर जिसका मैक्सिमम नंबर है और अगर सब लोग अगर फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तब तो कटअप में लगभग 5-6 नंबर का आप उछाल देख सकते हैं। ठीक है, हम फाइनल का बात कर रहे हैं, ऐसा होता है।
इसलिए आप लोग फिजिकल जो है जी जान से लगा कर तैयारी करते रहिए, और किसी को समस्या नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और कोई पूछ रहा था कि एडिशनल कैंडिडेट क्या होता है, एडिशनल कैंडिडेट होता है ऐसा कि अब कोई सीट बढ़ता है ना, मान लीजिए अभी 25,271 सीट है, मान लीजिए सीट अगर 5,000 बढ़ गया तो उस 5,000 जो सीट बढ़ा उसका फिर 12 × 12 = 60, फिर 60,000 स्टूडेंट को लगभग बुलाएगा फिजिकल में दौड़ने के लिए। तो वो जो एडिशनल कैंडिडेट हुआ वो 60,000 एडिशनल कैंडिडेट कहलाए, फिर इसी प्रकार से मेडिकल में भी एडिशनल कैंडिडेट कहलाएगा वो, और लास्ट में बहुत सारे पिछला बार एडिशनल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ जो अभी तक ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है ना, उनका भी सिलेक्शन होता है। इसलिए कट ऑफ थोड़ा मोड़ा आपका नंबर कम है तो टेंशन नहीं लीजिए, अभी कुछ भी हो सकता है। SSC GD है, जो अभी अनुभव है हमारे पास उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसी प्रकार से डिस्कशन करते रहेंगे लगातार, और समय नहीं मिल रहा है नहीं तो और भी खुलकर बात बताते। और एक छोटा सा